हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वर्चुअस। आज हम इस वीडियो लेशन में जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन जो एसएससी सीएचएसएल के 15 मार्च 2018 के क्वेश्चन से पूछे गए हैं वो डिस्कस करेंगे। जिन बच्चों का अभी तक एग्जाम नहीं हुआ है ये उनके लिए बड़े हेल्पफुल रहेंगे। तो आप अपने स्क्रीन पे देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है। पिकोक अवार्ड इज गिवन टू विच स्टेट सीएम, कौन से मुख्यमंत्री को पिकोक अवार्ड दिया गया है। तो ये है मिस्टर चंद्रबाबू नायडू, जो आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। सेकंड है, हेलीकॉप्टर्स आर यूज्ड बाय व्हिच कंट्री फॉर द सिक्योरिटी ऑफ सी पोर्ट्स। सी पोर्ट्स की सिक्योरिटी के लिए हेलीकॉप्टर्स का यूज कौन था देश करता है, तो ये है यूएसए। थर्ड है, विच इज श्रीलंकाज हाइएस्ट माउंटेन पीक, श्रीलंका की हाइएस्ट माउंटेन पीक कौन सी है, तो ये है पिदुरमु तेलंगाला माउंटेन। नेक्स्ट है, विच इज द लार्जेस्ट सिटी ऑफ म्यांमार, म्यांमार की सबसे बड़ा शहर कौन सा है, तो ये यंगून है, जिसको पहले रंगून कहते थे, आजकल जिसको यंगून कहते हैं वो म्यांमार का लार्जेस्ट सिटी है। नेक्स्ट है, जजिया टैक्स वाज फर्स्ट इम्पोज बाई हुम, जजिया टैक्स सबसे पहले किसने लगाया, तो वो लगाया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने। नेक्स्ट है, वॉट इज जी स्टैंड फॉर इन उमंग ऐप, उमंग ऐप जो है उसमें जी किसके लिए है, तो उमंग जी है गवर्नेंस के लिए। उमंग का पूरा अगर आप देखेंगे तो यूनिफाइड एप्लीकेशन फॉर न्यू एज गवर्नेंस, तो जी फॉर गवर्नेंस। नेक्स्ट है, हु डिसाइड्स मिनिमम स्पोर्ट प्राइस एमएसपी, आजकल इसका बड़ा चर्चा हो रही है, किसान आंदोलन हो रहे हैं जगह जगह कि वे किसानों को उसकी लागत का मूल्य नहीं मिल रहा सही। तो मिनिमम स्पोर्ट प्राइस क्या होती है एमएसपी, एमएसपी होती है कि आप जो किसान की लागत है उस लागत में कुछ सर्टेन प्रॉफिट जोड़ के वो निकाली जाती है कि भाई ये किसी भी फसल के लिए, जैसे गेहूं है चावल है, उसकी मिनिमम सपोर्ट प्राइस ये होनी चाहिए, इससे कम सपोर्ट प्राइस, इससे इसकी मार्केट में प्राइस नहीं होनी चाहिए या गवर्नमेंट को इस रेट पे खरीदना चाहिए, तो उसको कहते हैं मिनिमम सपोर्ट प्राइस। तो ये डिसाइड करती है मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, क्यों खेतीबाड़ी से जुड़ा हुआ काम है तो ये मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर डिसाइड करती है। और आजकल एमएसपी को लेकर बड़े आंदोलन हो रहे हैं। नेक्स्ट है, नेम इंडिया फर्स्ट सोलर मिशन टू बी लॉन्च इन 2019, इंडिया का पहला जो सोलर मिशन है जो 2019 में लॉन्च होगा उसका नाम क्या है, आदित्य L1। एंड लास्ट है, व्हाट डज डी स्टैंड फॉर इन IDA, तो डी फॉर डेवलपमेंट है और IDA का फुल फॉर्म अगर आप देखेंगे तो ये क्या है, इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन, ये इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन है और इसका डी किसके लिए है, डी फॉर डेवलपमेंट। ये थे 15 मार्च के स्लॉट के कुछ क्वेश्चंस, नो क्वेश्चन जो जनरल अवेयरनेस में पूछे गए थे। आई होप इस सेशन को आपने एंजॉय किया होगा, या आपको अच्छा लगा होगा, या आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहेगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे, फिर कोई दूसरा कोई टॉपिक लेके फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए शब आखर।